And now you all are, I hope you all are fit and fine at your home. Now it's a time for back to your studies. We will start today English subject. Till unit 5, you have completed your syllabus till unit 5 in term 1. Now we will start by unit 6. Unit 6, first topic is train. You all know what is train. Train means rail gari. You all have seen train at railway station. If you are using train, means if you want to travel from one city to another city, you are using train. No doubt, many of people using cars, buses also, but now trains are also available at railway stations. Now first topic is train. You all know जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको जब विंडो सीट पे बैठने की इच्छा होती है कि मैं विंडो सीट पे बैठूं, वो सोचता है मैं विंडो सीट पे बैठूं. क्यों? क्योंकि वहां पे हमको अच्छा अच्छा नेचर देखने को मिलता है, नजारे देखने को मिलते हैं. और आप सभी को पता होगा ट्रेन कैसा है. ट्रेन सारा दिन चलता ही रहता है, सारा दिन वर्क करता है, उसके लिए कोई भी स्टॉप नहीं रहता है. ट्रेन इज अ ट्रांसपोर्ट विच इज यूजिंग फॉर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. नाउ यू हैव सीन जब ट्रेन चलती है आपको आसपास में माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब देखने को मिलते होंगे. कभी कभार गार्डन्स देखने को मिलते हैं, कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलती है. तो ट्रेन क्या है? ट्रेन एक नॉन स्टॉप वर्किंग है. वो ट्रेन में पैसेंजर्स तो लेके ही जाती. पैसेंजर मीन्स जो लोगों को बिठा के लेके जाए उनकी दूसरी जगह पर, और साथ ही साथ में वो गुड्स, हैवी लोड्स भी उठा के जाती है. आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है वो सिर्फ पैसेंजर्स की नहीं होती है, वो गुड्स के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है हमारे. इफ हमको यहाँ से कहीं पे गुड्स भेजने हैं दूसरी सिटी में, तो वो भी हमारे एक तरह से हेल्पफुल रहता है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 6, दैट इज ट्रेन्स. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन. इट मींस ट्रेन माउंटेन्स के यहाँ से भी पास होती है, प्लेन्स के यहाँ से भी पास होती है, रिवर्स के यहाँ से भी पास होती है. वो है हमारी ट्रेन. नाउ वी विल राइट अवर न्यू वर्ड, मींस वर्ड मीनिंग. Letters or parcels. Sent by post. अगर आप सभी को कुछ भी कुरियर करना है तो आप उसमें ट्रेन का यूज कर सकते हैं. आप सभी ने ऐसी ट्रेन तो देखी होगी जो आप बहुत बड़े बड़े बुक्स उठा कर जाती है, इवन लिक्विड भी होती है.
उठा के वो कैरी करती है, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स। अगर आपने कहीं पे किसी को कुछ मेल किया, लाइक कुरियर किया, उसमें प्रीशियस मीन्स कुछ कीमती सामान किया है सेंड, तो वो भी वो कैरी करती है। नेक्स्ट यूज हियर प्रीशियस। Precious means valuable, कीमती चीज, valuable और you can say important। Bringing their precious loads, precious means कीमती, loads means goods या ऐसा कुछ सामान, heavy चीजें। अगर जैसे कि किसी को कुछ बड़ा सा कुरियर करना है तो अब वो हैंड में तो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम कुछ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बस भी होता है और ट्रेन भी रहता है। तो अगर ट्रेन में जो कैरी करता है वो प्रीशियस लोड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीशियस लोड। लोड मीन्स बहुत ही बड़ा सामान और काफी हैवी। नेक्स्ट इट ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल, और विदाउट फेल मीन्स वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आज सेंगे तो आज नहीं करेगा काम, उनका रेगुलर वर्क ही रहता है। नेक्स्ट इज विदाउट फेल। विदाउट फेल मीन्स रेगुलरली, वैगन, कैरिंग गुड्स। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स और रशिंग ऑन, रशिंग ऑन मीन्स मूविंग विद स्पीड। आपने कभी देखा है ट्रेन को एकदम स्लो चलते हुए? आप सभी को पता होगा ट्रेन एकदम फुली स्पीड में चलती है, जब उसका स्टॉप आने वाला होता है उसके कुछ सेकंड्स पहले वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट इज रशिंग ऑन, सो हियर इज रशिंग ऑन मीन्स मूविंग विथ स्पीड, ओके, थ्रू डी एंड डार्कनेस, थ्रू डस्ट एंड डाउन। ट्रेन ये कभी भी नहीं देखती है कि नाइट हो गई तो मैं अपना अभी वर्क करना बंद कर दूं, वो तो अर्ली मॉर्निंग में काम करती है और अर्ली इवनिंग में भी काम करती है, चाहे वो सुबह हो या रात, वो अंधेरे में भी ट्रेन अपना काम नहीं रुकाती है, वो अपना वर्क हमेशा कंटिन्यू ही रखती है। फिर डार्कनेस मीन्स नाइट, डार्कनेस आप सभी को पता होगा कि नाइट next through day and darkness through dusk and dawn, dusk means early evening, जो evening का time होता है ना, early evening जब sunset होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं dusk। next meaning here it is dusk। early evening, evening तो शाम,
when the sun sets. And next is dawn. Dawn means, I told you na, dawn means early morning, ekdam savere wala time. जब सूरज उगता है, when the sun rises. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. वैसे फिर से माउंटेन्स के यहाँ से पास होती है, प्लेन्स के यहाँ से, रिवर्स के यहाँ से पास होती है. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इट इज ऑल अबाउट ट्रेन. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आई विल सॉल्व इन योर लाइफ सेशन. You all understood what I have explained in this video. Have a nice day.